तो आप
आपके भविष्य में वही फल मिलेगा। और आप अच्छे रूप में जाते हैं तो भविष्य में वही फल मिलेगा। ये संसार में रोज होता है, हम सब्जी लेने जाते हैं, इतनी सी बनेगी पत्तियां उठा कर मालिक भी समझ जाता है ये उठाएगा अभी वो पहले से। हम इतनी सी धनिये की पत्ती उठा करके वो जानता है मालिक की कौन व्यक्ति है, वो उसी हिसाब से तोल देता है और दोनों का काम बराबर हो जाता है और दोनों की गांठ में पाप बन जाता है, मायाचारी हो जाती है। और वो पाप हमें भविष्य में गोदाम खाली करवा देता है, पूरा गोदाम पीछे से दरवाजा तोड़ करके दीवार तोड़ करके 500 बोरे उठा करके ले गए, मालूम ही नहीं पड़ी। रोज गोदाम में जा रहे थे, रोज बोरे डलवा रहे थे, उठवा रहे थे, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ी। क्यों? कि वो 5 किलो उठाया था, उस 5 किलो का ब्याज वहां से प्रारंभ हुआ, आज 500 बोरे तुम्हारे गोदाम में से उठ गए। पूरी गाड़ी ड्राइवर लेकर भाग गया। क्यों भाग गए? कि तुमने 5 किलो उठाए थे, उस 5 किलो उठाने का फल तुम्हें 500 बोरे के रूप में मिला और भोगना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए भविष्य अच्छा बनाना है तो भाव अच्छे बनाओ, तो भाव अच्छे बनाओगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा बनेगा। तुम हाथ में घी लेकर के दूसरे की मालिश करने की कोशिश करो, वो मालिश नहीं करवाए कोई बात नहीं, तुम्हारे बात की मालिश तो होगी। और तुम उठा करके अहंकार फेंकने की कोशिश करोगे, उसके पुण्य का उदय होगा, तुम्हारा अहंकार उसके तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन तेरे हाथ तो जल जाएगा, तुम्हारी अब कीर्ति हो जाएगी। देखो इतना दुष्ट आदमी है, अंगारे फेंक रहा था, वो तो पुण्यशाली था, बच गया बेटा, खुद तो जलेगा अभी नहीं तो कभी तो जलेगा ही जलेगा, क्योंकि अभी का किया हुआ कभी उदय में आता है और कभी का किया हुआ अभी उदय में आया, कभी हमने किया होगा सो अभी उदय में आ रहा है, अभी का योग किया हुआ कभी आएगा, इसलिए अभी तुम अच्छा कर लो तो तुम्हारे आगे कभी खराब नहीं आएगा, कभी खराब नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम अच्छा कर रहे हैं, अभी हम अच्छा कर रहे हैं। हर पल में ये सोचो अभी हम अच्छा करें, अभी हम अच्छा करें तो हमारे कभी भी खराब नहीं आएगा, और अभी हमने खराब कर दिया तो समझ लो कभी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो लिखा जा रहा है, छप रहा है, ये कर्म का कंप्यूटर है, इसमें कभी भी बेईमानी नहीं होती, घूस नहीं चलती, दलाली नहीं चलती, इसलिए हम अच्छे भाव बनाए। सामने वाला हमारा क्या कर रहा है कर लेने, वो उसके फल को भोगेगा, मैं उसके लिए अच्छा करूँगा तो मुझे तो अच्छे फल मिलेगा, मुझे तो अच्छा ही मिलेगा, उसकी ताकत नहीं कि वो मेरा बुरा कर सके, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा करूँगा। सामने वाला जो कर रहा है वो भी ये सोचे मैं अच्छा करूँगा, प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि मैं अच्छा करूँगा अच्छा करूँगा, तो किसी का भविष्य काला नहीं हो सकता, सभी सुखी रह सकते, संसार में रह करके भी बहुत आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो हम अपने भाव अच्छे बनाए, हमारे भाव भविष्य को बनाने वाले होंगे। और हम चाहते हैं कि अगर हम बीमार हो गए हमें ऐसा लगता है कि भगवान कब बीमारी ठीक हो जाए, यदि दरिद्रता है तो ऐसा लगता है कब दरिद्रता समाप्त हो जाए, बेटा नहीं तो लगता है कब बेटा हो जाए, ये सब लगता है ना, ये परिस्थितियाँ हमें अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है ना, तो इनका कारण खराब भाव है, हमारे भाव खराब होंगे तो ये सब परिस्थितियाँ आगे भी बनेंगी, इसलिए भाव अच्छे बना लो, तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि तुम दुखी होंगे, कभी भी दुखी नहीं होगी और परंपरा से निर्वाण की प्राप्ति होगी, सबके भाव अच्छे हों, सबका भविष्य अच्छा हो, इसी प्रार्थना से मांगे भगवान।